भारत के इतिहास में जितना बड़ा साम्राज्य प्रतिहारों का रहा है, इतना ना राजपूतों का रहा ना जाटों का रहा। बहुत बड़ा साम्राज्य था, वो तो इतिहासकारों ने जिक्र नहीं किया उसका, लेकिन सही बात यह है कि एक वक्त में सारा देश दक्षिण के कुछ इलाके को छोड़ के वो आपके अधीन था, आप राज करते थे उस पर। खैर अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अगर हम सब मिलके, मुझे याद है चौधरी चरण सिंह ने आज से 40 साल पहले अजगर करके एक संगठन बनाया, अहीर गुजर राजपूत जाट, और कहा कि अगर ये चारों इकट्ठा हो जाए तो दिल्ली को तो हम हाथ से छीन लेंगे। तो असली जो जरूरत है इस वक्त वो एके की है, एकता की जरूरत है। पिछले 15-20 दिन पहले जो बेनीवाल है वहाँ का एमपी है नागौर का, उससे किसी ने सवाल किया तो उसने छाती में हाथ मार के कहा कि हाँ मैं गुजर चीफ मिनिस्टर की हिमायत करूंगा और गुजर को चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा। तो आपके राजस्थान में आपका चीफ मिनिस्टर होगा तो आपके लड़कों को नौकरी मिलेगी, आपका चीफ मिनिस्टर होगा तो आपके काम होंगे। बैसला जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे और उनकी याद मुझे भी बहुत आती। आज मैंने उनके सुपुत्र को देखा तो मेरी आंख भर आई और वो मुझे याद आए, शानदार आदमी। ठंड के महीने में रेल की पटरियों पर लेटा रहा लेकिन अपनी बात मनवा के खड़ा हुआ, इतना इरादे का धनी आदमी था। कोई उसे खरीद नहीं पाया, कोई लालच हिला नहीं पाया, कोई धमकी डरा नहीं पाई। तो उस तरह के बनो, उनके रास्ते पे चलो। हमारे बहुत ही सम्मानित और बहुत ही संभावनाओं से भरे हुए थे राजेश पायलट जी, जो बहुत दूर तक जाते लेकिन प्रतिदिन ने हमारे हाथ से उनको छीन लिया। उनकी और कर्नल किरोरी सिंह बैसला की मूर्ति का जो स्मारक बनने वाला है, मैं उसका आज सवेरे अनावरण करके आया हूँ। भारत के इतिहास में जितना बड़ा साम्राज्य प्रतिहारों का रहा है, इतना ना राजपूतों का रहा ना जाटों का रहा। बहुत बड़ा साम्राज्य था, वो तो इतिहासकारों ने जिक्र नहीं किया उसका, लेकिन सही बात यह है कि एक वक्त में सारा देश दक्षिण के कुछ इलाके को छोड़ के वो आपके अधीन था, आप राज करते थे उस पर।